नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टेनो हेल्पीपी में स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे आज हम लेके आए हैं जॉब प्रोफाइल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी CVDT की। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है। इस वीडियो में बात करेंगे क्या वर्कलोड, क्या सैलरी, क्या प्रमोशन, क्या पावर, क्या ट्रांसफर, क्या प्रोस कॉन्स रहते हैं, क्या आप इंस्पेक्टर बनेंगे, ये सारी बातें करेंगे, क्या आप छापे मारेंगे, ये सब बातें हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में अभी नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आती है कि इस जॉब प्रोफाइल को हम कैसे प्राप्त करें, हाउ टू सिलेक्ट। तो इसका एक मीडियम है जो है SSC के थ्रू आप इस जॉब प्रोफाइल को गेन कर सकते हैं। SSC हर ईयर आपका इस चैनल का एग्जाम कराती है जो आपके दो ग्रेड में होता है, ग्रेड सी एंड ग्रेड डी। इसमें आप हिंदी इंग्लिश दोनों स्टेनो में से अगर आपको कोई भी स्टेनो आती है, चाहे आप हिंदी स्टेनोग्राफर हैं चाहे आप इंग्लिश के स्टेनोग्राफर हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट में रहती है। मैंने आपको MEA के बारे में बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में, जिसे मैंने आपको उसकी पूरी कंप्लीट जॉब प्रोफाइल बताई थी, नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं, आई बटन में जाके देख सकते हैं। उसी की तरह ये जो जॉब प्रोफाइल है यानी CVDT, इसमें भी आप SSC के थ्रू एंट्री मार सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इस जॉब प्रोफाइल की सैलरी क्या रहेगी। सभी सैलरियों की तरह स्टेनोग्राफर की जो सैलरी है, इसमें भी ग्रेड सी की जो सैलरी रहेगी वो 63,000 से 64,000 के बीच की रहेगी, अलग अलग सिटी में डिपेंड करता है। ग्रेड डी में जो रहेगी वो 37,000 से आपके 39,000 तक रहेगी। डिपेंड करेगा कि आपकी किस सिटी में आपकी जॉब पोस्टिंग रहती है, किस सिटी में आपको भेजा जाता है, ये डिपेंड करता है वहाँ की जॉब लोकेशन के हिसाब से। इसमें आपका सब कंक्लूड आएगा, जो भी आपका HRA है, जो आपको वहाँ पर फैसिलिटीज मिलेगी, सब मिला के आपकी सैलरी बनेगी। इन हैंड की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, क्या आपका काम रहेगा। देखिए, हर स्टेनोग्राफर का सेम ही काम रहता है, स्पीच राइटिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो ब्रीफिंग होती है उसे कलेक्ट करना, किसी मिनिस्टर के साथ अगर आप अटैच हैं तो उसकी असिस्टिंग करना, उसकी सहायता करना, हेल्प करना, पब्लिक से रिलेशन, जो भी आपके मटेरियल्स रहेंगे पब्लिक रिलेशन आपका जो मंत्री के साथ या भी सरकार और बीच में आप मीडिएटर का काम भी करेंगे कभी कभी, ये डिपेंड करता है वर्क आपके जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है, जिस जगह पर वहाँ पर आपके जो वर्क है उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, इनकम टैक्स बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है तो यहाँ पर सेक्शनों में डिवाइड करा रहता है वर्क प्रोफाइल को। जैसे कि आप ऑफिशियल मैनेजमेंट पूरे इनकम टैक्स के जो ऑल इंडिया ओवर हैं उसका जो ऑफिस स्टाफ है उसे देखेंगे, या आप टैक्स रेवेन्यू को कलेक्ट करेंगे जो टैक्स रेवेन्यू वाला सेक्शन है वहाँ जाएंगे, या आप जो इन्वेस्टिगेशन विंग है उसके वाले डिपार्टमेंट में जाएंगे। तो ये अलग अलग डिपेंड करता है इनकम टैक्स के अंदर, ये डिपेंड करेगा कि आपकी कहाँ पर जॉब लग वो होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसमें देखिए वेरी नॉर्मल वर्कलोड रहेगा, ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहता है। कभी कभी एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है, जब भी आप रेड में जाते हैं तो हो सकता है कि आपको लगातार एक दिन तक कहीं रेड में लगातार कंटिन्यूसली पूरा दिन लग जाए, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका एक्स्ट्रा प्रेशर आपका वर्क मिल जाए। ग्रोथ वाइज बेटर जॉब है, फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। सोशल एस्पेक्ट आपकी बहुत ज़्यादा होगी इस पोस्ट में और आपको सोशल एक्टिविटी के लिए भी टाइम मिलेगा। नेक्स्ट है आपकी, इसमें पोस्टिंग कहां कहां होगी, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इनकम टैक्स बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, इसलिए इस बहुत बड़े डिपार्टमेंट के कारण इसकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी हो सकती है, ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपकी जो जोन है, आप जहां पोस्टिंग चाहते हैं वहां वैकेंसी है या नहीं, अगर आप अपने जोन में चाहते हैं तो ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, तो ऑल ओवर इंडिया इसकी पोस्टें रहती हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों को इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप RTA के माध्यम से देख सकते हैं कि आपके जोन में पोस्टिंग है या नहीं है। रही बात, बहुत से लोग बोलते हैं ट्रांसफ़र का केस क्या रहता है, तो आपकी स्क्रीन में आप पढ़ रहे होंगे दो टाइप के ट्रांसफर्स होते हैं। एक एनुअल जनरल ट्रांसफर होता है जो आपके अंदर ही अंदर हो जाएगा, इंटरचेंज ट्रांसफर होता है जिसमें आप ICT कहते हैं। देखिए, इसके लिए मिनिमम 3 साल का समय लगता था, मगर अभी कुछ टाइम पहले इसने CBDT ने एक नोटिफिकेशन दिया है कि आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, जोनल ट्रांसफ़र नहीं होगा। बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो गए थे, जोनल ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, जिनका होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू रिवीजन होनी चाहिए। स्क्रीन में आप इसे इजीली पढ़ सकते हैं क्या क्या रहेगा। रही बात प्रमोशन की, तो मैं प्रमोशन की बात करता हूं, तो देखिए नॉर्मल स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के बाद आप डायरेक्ट जंप करेंगे ग्रेड सी में, फिर आप प्राइवेट सेक्रेटरी की तरफ पोस्ट में जाएंगे, फिर उसके बाद की जो पोस्ट आती है वो आती है आपकी सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी। अब ये गजेटेड पोस्टेड हो जाएंगी, फिर उसके बाद आएगी सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी,
रजिस्टर्ड हो जाएगी ये भी। तो ये था आपका नॉर्मल प्रोसीजर, जो मतलब आप नॉर्मल जो डिपार्टमेंट के थ्रू है, धीरे धीरे जब समय आएगा उसके हिसाब से आपकी जो इंक्रीजमेंट है वो चलता रहेगा। पहले आप स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, फिर उसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड सी में जाएंगे। इनमें टाइम पीरियड रहता है 3 से 4 साल, अलग अलग जोन में डिपेंड करता है कि कौन सा जोन है, कितनी वैकेंसीज है, वहाँ पर डिपेंड करेगा। तो पहले ग्रेड डी से ग्रेड सी, फिर प्राइवेट सेक्रेटरी, फिर सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी, फिर आपका सीनियर प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी से आपका रहता है। दूसरा आता है तरीका प्रमोशन लेने का, वो होता है डिपार्टमेंटल एग्जाम जो होते हैं उसके थ्रू, वाई एग्जाम के थ्रू। बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है क्या हम स्टेनोग्राफर से इंस्पेक्टर बन सकते हैं? जी हाँ, आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं, बट आपकी लाइन पूरी चेंज हो जाएगी जैसे ही आपने डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर करे। आपको पहले 4 एग्जाम मिनिस्ट्री एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे, फिर 4 डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे। टोटल मिला के जब 8 एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो आप इंस्पेक्टर की पोस्ट ले लेंगे। डायरेक्ट सीजीएल वाली पोस्ट जो रहती है 4600 ग्रेड पे की पोस्ट रहेगी, तो आप इसे गेन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल जाएगी। फिर इसके बाद ITO बन जाएंगे आप, इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाएंगे। काफ़ी अच्छा आपको सोशल रिस्पेक्ट इसमें मिलेगी, आपको गुड जॉब है, आपकी वेरी गुड पोस्ट प्रेफरेंस है, आप इसे समझ सकते हैं। बहुत अच्छी जॉब रहेगी अगर आप इंस्पेक्टर वाली लाइन में जाते हैं। बट यहाँ से आपका पूरा जो है स्टेनो की लाइन हट जाएगी, जैसे आप इस एग्जाम को इंस्पेक्टर की पोस्ट को गेन करेंगे तो आप बिल्कुल सीजीएल वालों की पोस्ट में आ जाएंगे। तो आपकी पूरी जो स्टेनो की लाइफ है, स्टेनो की लाइफ में आप वहीं पर तक रुक जाएंगे और यहाँ से आपकी नई लाइफ शुरू हो जाएगी। तो धीरे धीरे इसमें प्रमोशन लेते लेते आप RS जो इंडियन रेवेन्यू सिस्टम है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका प्रमोशन सही तरीके से लगातार होता रहा तो आप जो इंडियन रेवेन्यू सिस्टम है उसे भी, जो सर्विस है उसे भी ज्वाइन कर लेंगे। ये डिपेंड करेगा कि आपका जो प्रमोशन है वो किस बेसिस पे होता है, कितनी जल्दी होता है, ये सब डिपेंड करता है प्रमोशन के हिसाब से कि कितनी जल्दी आपका प्रमोशन होता है नहीं होता है। ठीक है, अगर हम बात करूँ तो इंस्पेक्टर की जो जॉब प्रोफाइल है उसमें आपको नॉर्मल वर्क लोड मिलेगा, वहाँ पर भी इंस्पेक्टर का तो काम ही रेड मानना होगा, तो रेड आपकी यहाँ पर रेड लगातार रहेगी, तो इस कारण आपको एक्स्ट्रा प्रेशर देखने को मिल सकता है इस पोस्ट में। ग्रोथ वाइज बहुत अच्छी जॉब है क्योंकि यहाँ बहुत फास्टेस्ट प्रमोशन होते हैं, और प्लस जो पहली प्रेफरेंस रहती है जिनको कुछ नया करने का रहता है उनकी पहली प्रेफरेंस यही रहती है। नेक्स्ट आपका सोशल रिस्पेक्ट, अगर आप ITO बन गए तो आपकी सोशल रिस्पेक्ट अपने आप में ही रहेगी और आपको सोशल एक्टिविटी के लिए भी टाइम मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं। HRA तो आप कोई भी एग्ज़ाम करेंगे SSC का आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको सेम फैसिलिटीज़ मिलेंगी, कुछ ऐसा स्पेशल इसमें है नहीं। HRA आपको मिलेगा मेजर सिटी जो भी रहेंगे, HRA अगर आपको अपार्टमेंट नहीं मिलते हैं तो आपको HRA मिलेगा अकॉर्डिंग टू सिटी। फिर आपको पेट्रोल दिया जाएगा जिसे हम ट्रैवल अलाउंस कहते हैं, वो सब मिलेगा ही। मोबाइल बिल अगर आप की जो पोस्ट है वो एक लिमिट के अंदर आती है तो आपको मोबाइल बिल के भी पैसे मिलेंगे। ऐसे ही आपको हर चीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी, जो भी अलाउंसेस होते हैं वो सब मिलेगा आपको। CHS जो हेल्थ स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की उसके अंडर आपको पूरी सहायता दी जाएगी, सारे आपको इससे फैसिलिटीज़ इसके थ्रू मिल जाएगी। बहुत बच्चों के ये भी डाउट रहता है कि क्या हम छापे मार सकते हैं, स्टेनोग्राफर छापे मार सकता है? जी हाँ बिल्कुल, आप जैसे पिक्चरों में देखते होंगे इनकम टैक्स ऑफिसर जाते हैं, उनके साथ पूरी टीम रहती है, तो उस टीम में आप भी जा सकते हैं। डिपेंड करता है वर्क प्रोफेंसी क्या रहती है। आप पिक्चरों में देखते होंगे कि वो सारा उठर पटर कर देते हैं, कभी बिस्तर फोड़ साफ सुफ करके बिल्कुल बिस्तर में से कभी कुछ निकाल के, तो ये सब चीज़ आप भी कर सकते हैं, छापा आप भी मार सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपकी पूरी जॉब प्रोफाइल पसंद आई होगी। अगर आप इसे सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आप इसमें भी अच्छी तरीके से, काफ़ी अच्छी जॉब है, आप इसे देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में जैसे बताया उसकी भी मैंने जॉब प्रोफाइल आपको प्रोवाइड कराई है। अगर आपने वो जॉब प्रोफाइल नहीं देखी है, क्या सैलरी रहती है, क्या फायदे रहते हैं, क्या विदेश जाने के कुछ अलग फायदे हैं, ये वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या आप आई बटन में दिख जाएगी। हमने GS की स्पेशल ट्रिक बेस आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई है जिसे दिव्या मैम के द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। टाइम टाइम पे आपको नई नई ट्रिक्स, कॉमेडी ट्रिक्स आपको समझाई जाती हैं। उस ट्रिक के माध्यम से भी आप अपनी GS को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जो नए बच्चे हैं जो 2019 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि काफ़ी अच्छा मटेरियल आपको लगातार प्रोवाइड कराया जा रहा है स्टेनो LPP के द्वारा। और आपको जो देखिए आप स्क्रीन में दिख रहा होगा, इन 4 बुक को पढ़ के SSC स्टेनोग्राफर 3 बार क्लियर कर लिया है मैंने। उन्हीं 4 बुकों को, क्या बुकें हैं, कैसी वो बुकें हैं, क्या उनका पूरा प्रोसीजर है, ये सब बताने की कोशिश मैंने आपको ये वाली वीडियो में करी है। आप जरूर इन वीडियो को देख लीजिएगा। मैं आप सबको इसी वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम आपके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी है। GS GK सब आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, स्टेनो भी हम आपको डेली प्रोवाइड करा रहे हैं। डेली डिक्टेशन एडिटोरियल आपको दिया जाता है 100 शब्द प्रति मिनट की गति से, 10 मिनट का ये एडिटोरियल डिक्टेशन रहता है। तो अगर कोई भी अगर इस एडिटोरियल डिक्टेशन को लिखना चाहता है तो ज़रूर आप 9 बजे तक ये अपलोड हो जाता है तो इसे लिख सकते हैं, काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। जो लास्ट बार के बच्चे थे सिलेक्टेड बच्चे, उनका कहना था बहुत हेल्प करी आपके डिक्टेशनों ने, तो जिस तरीके से हमने बोला वहाँ पर भी एग्ज़ाम में भी उसी तरीके से बोला जाता है। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको हमारे चैनल का प्रयास अच्छा लग रहा है, आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।
और जब इस वीडियो को लाइक करेंगे तो इस वीडियो के बगल में आपको बेल आइकन का बटन भी होगा, तो आप बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। मिलेंगे दूसरी वीडियो में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।